फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर सी सर की क्लास। आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आई गो टू स्टाइल्स। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि यह स्टाइल्स जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। इसके राइटर जो है अगाथा क्रिस्टी है, जो कि एक प्रोफेलिक इंग्लिश राइटर है। और आई गो टू स्टाइल जो है या द मिस्ट्रियस अफेयर द स्टाइल्स में प्रकाशित किया गया था। हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ भी वर्ड डिफिकल्ट होंगे उसका हिंदी आपको बताते जाएंगे। तो चलिए पूरा एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। आई हैड रिटर्न होम इंजर्ड फ्रॉम द फ्रंट। अब यहाँ पर आई जो यूज हुआ है वो मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए यूज हुआ है। मिस्टर हेस्टिंग्स जो है वो घर वापस आए हैं और वो इंजर्ड हैं। आफ्टर स्पेंडिंग सम मंथ इन रैदर डिप्रेसिंग कन्वलसेंट होम। तो इसमें हम आपको वर्ड बता दें, देखिए फ्रंट का मतलब यह युद्ध से है, तो युद्ध में घायल होकर वो आते हैं और वो काफ़ी हद तक जो है वो डिप्रेस है, दुखी है। और घायल होने के बाद उनको जो है ना एक कन्वलसेंट होम, मतलब जहाँ पर इलाज चलता है वहाँ पर इनको रखा गया है। वॉज गिवन अ मंथ सिक लीव, और उनको एक महीने की लगभग सिक लीव, मतलब कि वीक हो गए हैं, थोड़ा बीमार है, तो इस वजह से इनको लीव दिया गया था। हैविंग नो नियर रिलेशंस और फ्रेंड्स, और फिलहाल उनके पास कोई फ्रेंड्स या रिलेशन, मतलब कि कोई सगे संबंध भी नहीं है। आई वॉज ट्राइंग टू मेक अप माई माइंड वाट टू डू। अब सोच रहे हैं वहाँ पर कि उनको आगे क्या करना है। When I ran across John Cavendish, अब एक नया कैरेक्टर का नाम आता है John Cavendish। अभी सोचते हैं कि वो उससे मिलने जाएंगे। I had seen very little of him for some years, कुछ साल उससे उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई है, बिल्कुल बहुत कम ही, very little, ठीक है। Indeed, I had never known him particularly well, और वे बता रहे हैं कि वो उनको, मतलब कि John Cavendish को पर्सनली जानते भी नहीं है अच्छी तरह से। ही वॉज अ गुड 15 years माई सीनियर, और वह इनसे 15 साल सीनियर है। फॉर वन थिंग दो ही हार्डली लुक टू हिज 45 years, और देखने से वो 45 साल से ज़्यादा का नहीं लगता है। एज अ बॉय, एक लड़के की तरह, थ्रू आई हैड ऑफन स्टे एट स्टाइल्स हिज मदर्स प्लेस इन एक्सेस। तो एक लड़के जब मैं छोटा था तो मैं स्टाइल्स में जो था उसकी मदर का जो प्लेस है इसे वहाँ पर जाया करता था, यहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर ये गए थे। कौन? मिस्टर हेस्टिंग्स। वी हैड अ गुड यार्न, गुड यार्न का मतलब एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत अबाउट ओल्ड टाइम्स। तो वहाँ पर ये पुराने दिनों की बातचीत करते थे। एंड इट एंडेड इन इज इनवाइटिंग मी डाउन टू स्टाइल्स टू ओपन माई लिव देयर। और जो बातचीत है वो चल रही थी, फिर उन्होंने बातचीत जब खत्म हुआ तो वहाँ पर बताएंगे कि आप आइए और यहाँ पर आके कुछ समय हमारे साथ बिताइए। द मेटर विल बी डिलाइटेड, मेटर का मतलब मदर से, तो आपको देखकर माता काफ़ी खुश होगी। आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ही एडेड, उसमें कुछ और चीज़ ऐड करते हुए कि माता खुश होगी और वो पुराने दिनों को दोबारा जब देखेगी, आपको दोबारा देखेगी तो काफ़ी खुश होगी, ऐसा और ऐड करते हुए उनको इन्वाइट करते हैं। Your mother keeps well, I asked, पूछते कि आपकी माता जी अभी ठीक है। Oh yes, I suppose you know that she had married again, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि वो उनकी दोबारा शादी होने वाली है। I'm afraid I saw my surprise rather plainly, मैं थोड़ा डर गया और सरप्राइज हुआ, और इस सरप्राइज को मैंने rather का मतलब आप यूज कर सकते हैं कुछ हद तक। तो कुछ हद तक उन्होंने अपनी सरप्राइज को, जो आश्चर्य हुआ था बात सुनकर कि रीमैरिज, तो उन्होंने साफ झलक चेहरे पर दिख रही थी। मिसेस कैवेंडिश हु हैड मैरिड जॉन्स फादर, तो मिसेस कैवेंडिश जो थी उनकी शादी हुई थी जॉन्स के फादर के साथ। व्हेन ही वॉज अ विडोअर, और जॉन्स के फादर उस समय भी उनकी वाइफ का डेथ हो चुका था, तब उनकी शादी मिसेस कैवेंडिश से हुई थी। विथ टू सॉन्स, उनके तो बेटे भी थे। हैड बीन हैंडसम वुमन ऑफ मिडिल एज, और वह काफ़ी सुंदर महिला थी, और मिडिल एज मतलब कि ना ज़्यादा यंग ना ज़्यादा ओल्ड, उनके बीच का है। ऐसे रिमेम्बर्ड हर, और यह चीज़ें मिस्टर हेस्टिंग्स याद करते हैं। सी सर्टेनली कुड नॉट बी अ डे लेस देन 70 नाउ, और अभी वो कम से कम 70 साल की हो चुकी थी। आई रिकॉल हर एज एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब कि जिसमें काफ़ी ऊर्जा हो, तो उसको याद करते हैं कि वो काफ़ी, उसको पुकारते हैं, काफ़ी एनर्जी वाली वीमेन थी। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब होता है
कॉम्प्लीट पावर, उनके पास पूरी ताकत थी। पर्सनालिटी सो वॉट इंक्लाइन टू चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब दान करना। तो चैरिटेबल मतलब होता है दानशील, मतलब दान करना। तो उनकी ये अच्छी बात थी कि वो दान भी करते थे। एंड सोशल नोटोरिटी, नोटोरिटी मतलब होता है फेम फॉर बीइंग बैड इन सम वे, मतलब कि अपने आप को फेमस करने कुछ गलत तरीके अपनाना। तो ये भी वो करते थे अपने नाम को कमाने के लिए, नेम फेम के लिए कुछ बैड्स जो गलत तरीके होते हैं वो भी अपनाते थे। विद अ फॉन्डनेस फॉर ओपनिंग बाजार्स एंड प्लेइंग द लेडी बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब चैरिटी। तो अपने आप को फेमस करने के लिए वो क्या करती थी, चैरिटी का काम भी करते थे। सी वॉज अ मोस्ट जेनरस, वो काफ़ी उदार महिला थी। जेनरस मतलब उदार। वुमेन एंड पोसेस्ड अ कंसीडरेबल फॉर्च्यून ऑफ हर ओन, और वो किस्मत की काफ़ी धनी भी थी। देयर कंट्री प्लेस एस्टाइन कोर्ट, तो उनका जो जहाँ रहती थी वो एस्टाइन कोर्ट था। हैड बीन परचेज बाय मिस्टर कैवेंडिश, तो मिस्टर कैवेंडिश ने उसको परचेज किया था, खरीदा था। अर्ली इन देयर मैरिड लाइफ, जब उनकी शादी नई नई हुई थी। ही हैड बीन कंप्लीटली अंडर हिज वाइफ्स एसेंडेंसी। एसेंडेंसी का मतलब होता है किसी का अंदर अंडर होना। तो अपनी वाइफ के अंडर रहते थे। सो मच सो डैट ऑन डाइंग, तो पूरी तरह से जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक। ही लेफ्ट द प्लेस टू हर फॉर हर लाइफ टाइम एज वेल एज द लार्जर पार्ट ऑफ हिज इनकम, तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी या जो भी उनके पास था सब अपनी वाइफ को नाम उन्होंने कर दिया था। एंड अरेंजमेंट डैट वॉज डिस्टिंक्टली अनफेयर टू हिज सॉन, और ये जो था अपने दोनों बेटे के लिए काफ़ी अनफेयर था, मतलब कि उनके लिए कुछ नहीं रखा था, सारा चीज़ अपनी वाइफ के नाम कर दिया था। लॉरेंस एंड जॉन, ये उनके दो बेटे हैं, जॉन जो अभी पहले आए थे ठीक है स्टोरी में। देयर स्टेप मदर, उनकी जो सौतेली माँ थी, हाउएवर हैड ऑलवेज बीन मोस्ट जेनरस टू देम, हालांकि उनके प्रति काफ़ी उदार रहती थी। इनडीड दे वर सो यंग एट द टाइम ऑफ देयर फादर्स रीमैरिज दैट दे ऑलवेज थॉट ऑफ हर एज ऑन देयर मदर, तो वो उस समय काफ़ी यंग थी जब उसके पिता के साथ उनकी दोबारा शादी हुई थी, और वो दोनों बेटे भी उनको अपनी माता की तरह मानते थे। जॉन नोटिस माई सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ हिज मदर्स री मैरिज, तो जब जॉन ने मिस्टर हेस्टिंग्स को अपनी माता की दोबारा शादी के बारे में बताया तो वो समझ गए थे कि ये काफ़ी सुनकर इनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। एंड स्माइल्ड रैदर रूफुली, रूफुली मतलब अफसोस, तो उनको भी अफसोस था कि उनकी माता का दोबारा शादी हो रहा है, वो भी स्माइल किए लेकिन अफसोस के साथ। रोटेन, अब रोटेन जो है लिटिल बाउंडर टू, बाउंडर का मतलब समझिए, बाउंडर का मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ही सेड सेवियरली, तो रोटेन जो था वो भी काफ़ी कठोर था। से बोला सेवियरली मतलब काफ़ी कठोर आवाज़ में। आई कैन टेल यू हैस्टिंग्स, मैं तुमको बता रहा हूँ, इट्स मेकिंग लाइफ जॉली डिफिकल्ट फॉर अस, जॉली मतलब खुश, जो हमारी जो लाइफ काफ़ी अच्छी खासी चल रही है अब इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। एज फॉर ईव, यू रिमेंबर ईव, अब ईव एक नया करेक्टर आ रहा है, क्या तुमको याद है ईव कौन है? मिस्टर हैस्टिंग्स कहते नो, वो आई सपोज ही वॉज आफ्टर योर टाइम, हाँ मैं तुमको बता दूँ वो तुम्हारे समय के बाद थी, जब तुम यहाँ से जा चुके थे तब इसकी इंटरव्यू थी। सीज द मैटर्स फैक्टोटम, फैक्टोटम का मतलब समझिए, फैक्टोटम का मतलब होता है एक व्यक्ति होता है, अ पर्सन हू ट्राई टू वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स फॉर समबडी, जो किसी के लिए काम करता है ठीक है। तो वो क्या थी, फैक्टोटम थी, कंपेनियन साथी थी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब सभी बिजनेस को देख रेख करती थी। अ ग्रेट एक्सपर्ट ओल्ड ईवी, वो कहते हैं ओल्ड ईवी मतलब कि हाँ एक बुजुर्ग या बूढ़ी औरत। नॉट प्रीसियसली मतलब पूरी, प्रीसियसली मतलब पूरी तरह नहीं, पूरी तरह नहीं, वो यंग और ब्यूटीफुल, ना वो पूरी तरह से यंग थी ना ब्यूटीफुल थी, बट एज गेम एज दे मेक देम, हाँ लेकिन जैसा वो समझ रहे हैं वैसा वो थी ठीक है। यू आर गोइंग टू से, तुम कहने के चाहते हो, ओ दिस फेलो, फेलो मतलब होता है साथी, हाँ या फेलो मतलब कि उस लड़की की बात हो रही है। ही टर्न ऑफ फ्रॉम नॉवेयर ऑन द प्रिटेक्स ऑफ बींग अ सेकेंड कजन और समथिंग ऑफ इविस, दो सी डिडंट सीम पर्टिकुलरली कीन टू एक्नॉलेज द रिलेशनशिप, तो प्रिटेक्स मतलब बहाना। तो जब ये पूछते हैं कि तुम कहना के जाते हो तो ये अपनी बातों को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, वो किसी दूसरे कजिन के बारे में बात करने लगते हैं या फिर ईव के बारे में बात करने लगते हैं कि वो किसी तरह का ऐसा लड़की थी जो कभी किसी के साथ कोई रिलेशन स्वीकार नहीं की थी। द फेलो इज एन एब्सोल्यूट आउटसाइडर, ये जो था फेलो मतलब ये जब साथी जिसके बारे में बात हो रहा है
वो इससे बाहर का था. एनीवन कैन सी डैट, हाँ कोई उसको देख सकता है. इज गॉट अ ग्रेट ब्लैक बियर्ड, और उसकी जो अब यहाँ जो है, अब दूसरे कजिन के बारे में बात हो रही, तो उसकी जो दाढ़ी है वो कैसा है, बड़ा है, बिग ब्लैक है, बियर्ड एंड बियर्स पेंटेड पेटेंट जो लेदर लेदर का वो शूज बूट इन ऑल वेदर, और वो दाढ़ी है और उसके शूज जो हैं वो काफ़ी ब्रांडेड है और हर मंथ वो शूज पहनता है. बट द मेटर कॉटनेड, कॉटनेड का मतलब समझिए मेड एन अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली टू सॉमबडी, किसी से मित्रता करना टू हिम एट वंस. तो इस तरह का व्यक्ति था वो, जो भी किसी से मिलता तो उससे तुरंत दोस्ती कर लेता था. टुक हिम ऑन एज अ सेक्रेटरी, तो उसको एक सेक्रेटरी के रूप में रखा गया था. यू नो हाउ इज ऑलवेज रनिंग 100 सोसाइटीज, तो यह व्यक्ति जो था जिसके बारे में बात हो रहा है कि दाढ़ी थी बूट पहनता था, या जो था ना आगे जो नाम, हाँ ईव, ईव का ईव ने को यह सेक्रेटरी रखा हुआ था, और ये कह रहा है कि वो किस तरह से इतनी सारी सोसाइटीज को चलाते थे. आई नोटेड, मैंने अपना सर हिलाया. वेल ऑफ कोर्स द वॉर हैज टर्न द हंड्रेड्स इंटू थाउजेंड्स, कि जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, वो 100 या 1000 लोग के बीच हुआ था. नो डाउट द फेलो वॉज वेरी यूजफुल टू हर, कोई संदेह नहीं कि साथी उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा. बट यू कुड हैव नॉट अस, नॉट का मतलब यहाँ आलोचना, लेकिन हाँ तुम हम लोग आलोचना करोगे. डाउन विद द फीदर विन 3 months अगो सी सडनली अनाउंस डेट सी एंड अल्फ्रेड वर एंगेज, 3 महीने पहले जब उसने अनाउंस किया था कि ईवी और अल्फ्रेड ने इंगेज मतलब इंगेजमेंट करने को डिसाइड कर लिया. द फेलो मस्ट बी एट लीस्ट 20 years younger than this, लेकिन जो उसके साथ शादी हो रही थी वो उस लड़की से ईवी से 20 साल छोटा था. इट्स सिंपली बेयर फेस, बेयर मतलब सीधा सादा फेस, अनफॉर्चुनेट हंटिंग मतलब किस्मत को खराब करने वाला. बट देयर यू आर सीज हर ऑन मिस्ट्रेस, हाँ लेकिन तुम जानते ही हो कि वो खुद की मालिक है. एंड सीज मैरिड हिम, और उसने डिसाइड किए कि उसी से शादी करेगी. इट मस्ट बी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू ऑल, ये सभी के लिए काफ़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है. डिफिकल्ट इट्स डैमनेबल, डैम मतलब होता है निंदा करना, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है, ये एक निंदनीय है. दिस इट केम अबाउट दैट 3 days लेटर आई, अब ये जो मिस्टर हेस्टिंग्स है, अब 3 दिनों के बाद आई डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रेन, अब ट्रेन से उतरते हैं एट स्टाइल्स सेंट मैरी, स्टाइल्स के जो प्लेस है वहाँ पर ये चले जाते हैं. एंड एंड एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बहुत ही बेकार लिटिल स्टेशन, तो जो स्टाइल्स का रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी बेकार इनको लग रहा है. विद नो अपेरेंट रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, और उनको लग नहीं रहा था कि ये स्टेशन यहाँ पर क्यों बना हुआ है, इसको एग्जिस्टेंस की यहाँ वजह क्या है. पर्स्ट ऑफ इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड, पर्स्ट मतलब बसा होना, तो ये ग्रीन फील्ड के बीचों बीच बसा हुआ था. एंड कंट्री लेन मतलब उस कंट्री में जो घास की भूमि थी उसके बीचों बीच यह स्टेशन था. जॉन कैवेंडिश वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो जॉन कैवेंडिश इसका वेट कर रहे थे. एंड पायलटेड मी आउट टू द कार, और फिर इनको कार से लेके जाते हैं. द विलेज ऑफ स्टाइल्स सेंट मैरी वॉज सिचुएटेड अबाउट 2 miles फ्रॉम द लिटिल स्टेशन, तो यह जो विलेज था वो स्टेशन से 2 miles की दूरी पर था. एंड स्टाइल्स कोर्ट ले अ माइल द अदर साइड, ये एक छोर से दूसरे साइड तक नीलो मिल फैला हुआ था. इट वॉज स्टिल वार्म, हालांकि वहाँ पर थोड़ी गर्मी थी. इन द अर्ली जुलाई, और मौसम जुलाई का चल रहा था, जुलाई के स्टार्टिंग में वहाँ भी थोड़ी गर्म थी. एस वन लुक्ड आउट ओवर द फ्लैट इसेस कंट्री, फिर इनको एकदम फ्लैट इसेस जगह दिखता है जहाँ ही जा रहे हैं. लिंग ऑन लिंग सो ग्रीन एंड पीसफुल अंडर द आफ्टरनून सन, तो काफ़ी हरा भरा और शांत दिख रहा है सूरज के किरणों में. इट सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव, और देखकर विश्वास नहीं हो रहा है. डेट नॉट सो वेरी फार अवे अ ग्रेट वॉर वॉज रनिंग इट अपॉइंटेड कोर्स, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी हाल में यहाँ पर युद्ध हुआ है, मतलब इतनी शांति का माहौल है. आई फील्ड आई हैड सडनली स्ट्रे इनटू अनदर वर्ल्ड, स्ट्रे मतलब भटकना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे जगह पर चला गया हूँ, किसी दूसरे संसार में चला गया हूँ. एस वी टर्न इन द लॉज गेट, अब जब ये पहुंच जाते हैं लॉज गेट पे, जॉन सेड आई एम अफ्रेड यू विल फाइंड इट्स वेरी क्वाइट डाउन हियर रेस्टिंग अस,
मुझे डर लग रहा है कि यहाँ तुम जितनी मतलब यहाँ जो शांति देखकर तुमको कुछ फील हो रहा होगा। माई डियर फेलो, डैट्स जस्ट वॉट आई वॉन्ट। तो कहते हैं कि माई डियर, नहीं जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ओह इट्स प्लीजेंट इनफ। हाँ ये जो जिस तरह से यहाँ शांति है, इफ यू वॉन्ट टू लीड द आइडल लाइफ, आइडल आलसी। हाँ तुम जिस तरह से यहाँ का मौसम है, यहाँ जिस तरह सब प्लेस है, वैसे तुम काफी एक आलसी वाला जीवन जी सकते हो। आई ड्रील विद द वॉलेंटियर ट्राइस अवेक। वॉलेंटियर्स मतलब सहायता करने वाले व्यक्ति जो फ्री में काम करते हैं। तो ड्रिल, मैं खुदाई करता हूँ सप्ताह में 2 बार खेतों की। एंड लेंड अ हैंड एट द फार्म, और मैं फॉर मतलब कि जो कृषि भूमि है, लेंड मतलब होता है योगदान करना, तो मैं जाता हूँ किसानों के साथ वहाँ काम करता हूँ। माई वाइफ वर्क रेगुलरली ऑन द लैंड। मेरी वाइफ हमेशा खेतों में काम करती है। सी इज अप एट 5 एवरी मॉर्निंग टू वॉक, सॉरी टू मिल्क। अब वो क्या करती है, सुबह 5 बजे उठती है दूध के लिए। एंड किप्स आई टेट स्टडी अंटिल लंच टाइम, वो काम करती रहती है लंच टाइम तक, मतलब कि दोपहर तक। इट्स अ जॉली गुड लाइफ टेकिंग इट ऑल अराउंड, और हमारी लाइफ जो है जॉली मतलब प्रसन्नता पूर्वक इसी तरह चल रही है। इफ इट वर नॉट फॉर दैट फेलो अल्फ्रेड इंग्लिश थ्रॉप, अभी नया व्यक्ति आ रहा है अल्फ्रेड इंग्लिश थ्रॉप, ठीक है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पर बताया गया था जिसके साथ इंगेजमेंट हुआ था, ठीक है, ईवी के लिए। ही चेक्ड द कार सडनली, उसने अचानक अपना कार चेक किया। एंड ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और उसकी घड़ी देखी। आई वंडर इफ वी हैव टाइम टू पिक अप सिंथिया, वो कहता है कि हम लोग सिंथिया को भी पिक कर लेते हैं, मतलब पिक करना मतलब कि ड्रॉप एक जगह से उसको लाना, ठीक है, रिसीव करना। नो सी विल हैव स्टार्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बाई नाउ, अब कहते हैं कि सी विल हैव स्टार्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बाई नाउ, मतलब उस समय वो हॉस्पिटल से निकल चुकी होगी। सिंथिया दैट्स नॉट योर वाइफ, सिंथिया क्या तुम्हारी वाइफ, क्या तुम्हारी वाइफ है? नो सिंथिया इज प्रोटेजी, प्रोटेजी का मतलब समझ देखिए, अ पर्सन हु इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाई एनी ऑर्डर एंड मोर इन्फ्लुएंस पर्सन, मतलब एक तरह का गाइडर होता है जो सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑफ माई मदर्स, वो मेरी माता की देख सपोर्ट करने वाली है या उसके साथ रहने वाली है। द डॉटर ऑफ एन ओल्ड स्कूल फेलो ऑफ हर्स, और एक बेटी है जो कि उसके स्कूल में एक फ्रेंड थी उसकी बेटी है। हु मैरिड अ रास्कली सॉलिसिटर, जिसकी शादी एक बहुत ही रास्कली मतलब दुष्ट सॉलिसिटर मतलब लॉयर, एक लॉयर के साथ हुई है। ही केम अ क्रॉपर, केम अ क्रॉपर मतलब एक इंसान जो फेल हो जाता है। तो वो क्या हुआ, वो इंसान एक फेलियर था। किसके बारे में बात हो रहा है आगे पता चलेगा। एंड द गर्ल वॉज लेफ्ट एन ऑर्फन एंड पेनीलेस, पेनीलेस मतलब कंगाल। तो वो क्या किया, उस लड़की को अनाथ और कंगाल छोड़कर चला गया। माई मदर केम टू द रेस्क्यू एंड सिंथिया हैज बीन विथ अस, तो ये सिंथिया के फादर के बारे में बात हो रहा था। तो फिर इनकी माता ने रेस्क्यू मतलब बचाव किया और सिंथिया को अपने पास रख लिया। और सिंथिया हैज बीन विथ अस नियरली 2 ईयर्स नाउ, तो 2 साल हो चुके हैं उसके साथ रहते। सी वर्क इन द रेड क्रॉस हॉस्पिटल, तो सिंथिया काम करती है रेड क्रॉस हॉस्पिटल में एट टैर मिनिस्टर, तो जगह का नाम है टैर मिनिस्टर, 7 माइल्स अवे, यहाँ से 7 मील की दूरी पर। एस सी स्पोक द लास्ट वर्ड, जैसे उसने आखिरी शब्द बोला, वी ड्रीव अप इन फ्रंट ऑफ द फाइन ओल्ड हाउस, अब हम लोग पहुंच चुके थे एक ओल्ड हाउस के सामने। अ लेडी इन अ स्टाउट, स्टाउट मतलब होता है एक मोटा, और ट्वीट, ट्वीट मतलब होता है ऊनी, मतलब ऊन का बना स्कर्ट, तो वो एक मोटा ऊनी स्कर्ट पहनी थी। हु वॉज बेंडिंग ओवर अ फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड की तरफ झुकी हुई थी इस तरह से, स्ट्रेटेंड स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब होता ऊपर उठना, हर सेल्फ एट आवर अक्रॉस, तो जैसे ही हम लोग पहुंचे वो स्ट्रेट एंड हो गई मतलब कि खड़ी हो गई। हेलो ईवी, हियर्स आवर वांटेड हीरो, तो ईवी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी जिस लड़की के बारे में, तो वो कहते हैं कि देखिए वांटेड मतलब घायल, तो हमारा घायल हीरो आया है मिस्टर हेस्टिंग्स। मिस हॉवर्ड शुक हैंड्स विद अ हॉटली ऑलमोस्ट पेनफुल ग्रिप, तो मिस हॉवर्ड जो है अपने हाथ को हिलाती है और दिल से काफी उनको दुख होता है इनकी कंडीशन को देखकर ये घायल है। सी लेड द वे राउंड द हाउस टू वेयर टी वॉज स्प्रेड अंडर द शेड ऑफ अ लार्ज साइकोमोर, साइकोमोर जो होता है एक तरह का ट्री होता है। तो ये लोग जाते हैं और एक घर के अंदर
और वहां पर चारों तरफ जो है ना वो एक टी वाज स्प्रेड, मतलब एक तरह का पूरा ट्री फैला हुआ है, और पेड़ के नीचे ये बैठते हैं। अ फ्यू रोज फ्रॉम वन द बास्केट चेयर्स एंड केम फ्यू स्टेप टू मीट अस। तो वहां पर एक और व्यक्ति है जो कि बास्केट चेयर, मतलब कि एक बास्केट की तरह चेयर, मतलब अपने आप को अंदर डाल लेना ऐसा चेयर होता है, आप लोग देखे होंगे। तो वहां बैठी हुई थी और फिर वो हमारे पास आती है। माई वाइफ हेस्टिंग्स, सेड जॉन। जॉन कहता है कि हमारी वाइफ है। कौन? वो लड़की जो बास्केट चेयर में बैठी थी। मेरी ग्रेटेड मी। तो मेरी ने उसको स्वागत किया विद अ फ्यू वर्ड्स ऑफ प्लीजेंट वेलकम, वेलकम के साथ उनके साथ अच्छे से उनका स्वागत किया। इन अ लो क्लियर वॉइस, जो उनकी आवाज़ जो थी काफ़ी क्लियर थी। एंड आई सैंक इन टू अ बास्केट चेयर फीलिंग डिस्टिंक्टली ग्लैड डैट आई हैड एक्सेप्टेड जॉन्स इन्विटेशन। अब ये क्या करते हैं, ये वापस उस बास्केट चेयर पर काफ़ी मजे से आनंद लेते हैं और मन ही मन धन्यवाद देते हैं जॉन को जो इनको इनवाइट किया था। मिस्टर मिसेस सॉरी मिसेस कैवेंडिश गेव मी सम टी। अब इनको थोड़ा चाय देती है मिसेस कैवेंडिश। एंड हर फ्यू क्वाइट रिमार्क्स हाइटेंडेड माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हर एज अ थ्रूली फैसिनेटेड वुमेन। तो ये इनके जो इम्प्रेशन था इससे वो काफ़ी आकर्षित हो जाती है। एट दैट मोमेंट अ वेल रिमेम्बर्ड वुमेन्स वॉइस फ्लोटेड थ्रू द ओपन फ्रेंच विंडो नियर एट हैंड। तो उसी समय एक जानी पहचानी महिला की आवाज एक फ्रेंच विंडो से गूंजती है। देयर वाज द मर्मर ऑफ अ मैंस वॉइस। तो वहां पर एक आदमी की धीरे धीरे बोलने की आवाज आती है। एंड देन मिसेस मिसेस इंगेलथ्रॉप्स वॉइस रोज अगेन इन रिप्लाई। तो मिसेस इंगेलथ्रॉप्स की भी वॉइस आती है जो कि कुछ जवाब दे रही है। द फ्रेंच विंडो शोंग ओपन अ लिटिल वाइडर, हल्का सा थोड़ा वाइट था, खुला हुआ था। एंड हैंडसम वाइट हेयर ओल्ड लेडी। तो वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके बाल सफ़ेद है, वो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही है। इथ अ सॉन्ग वॉट मास्टर फुल कास्ट ऑफ फीदर्स स्टेप आउट इट ऑन द लॉन। अब वो लॉन वो स्टेप मतलब चलते हुए लॉन में आकर पहुँच जाती है। अ मैन फॉलोड हर, एक आदमी भी उनके साथ आता है। अ सजेशन ऑफ अ डिफरेंस इन हिज मैनर, डिफरेंस का मतलब होता है जो कि काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ। तो वो जो व्यक्ति है उनके साथ उनको काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ आता है। मिस्टर इंग्लेथ्रॉप ग्रीटेड मी विथ इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब देखिए जो काफ़ी अच्छे से मतलब कि इनके साथ वो काफ़ी अच्छे से ग्रीट करती है। वाई इफ इट इजन टू डिलाइटफुल टू सी यू अगेन मिस्टर हेस्टिंग्स आफ्टर ऑल दिस ईयर्स। अल्फ्रेड डार्लिंग मिस्टर हेस्टिंग्स माई हस्बैंड। अब कहते हैं कि क्या आपको खुशी नहीं है हमको दोबारा देख कर, ठीक है। और ऑफ दिस ईयर्स अल्फ्रेड डार्लिंग, ठीक है, मिस्टर हेस्टिंग्स माई हस्बैंड। इंट्रोडक्शन देती है, ठीक है, ये मेरा हस्बैंड है। आई लुक्ड विथ सम क्यूरियोसिटी एट अल्फ्रेड डार्लिंग। वो अल्फ्रेड को थोड़ा जिज्ञासा के साथ देखते हैं। ही सडनली स्ट्रक अ रैदर एलियन नोट, ऐसा लगा कि वो उनको एलियन मतलब कि विदेशी जिसको जानते नहीं हो। आई डिड नॉट वॉन्डर, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ एट जॉन ऑब्जेक्टिंग टू हिज बियर्ड, जो कि जॉन उनके बियर्ड पर मतलब दाढ़ी पर ऑब्जेक्शन बता रहा था क्योंकि वो कुछ ऐसा ही दिख रहा था। इट वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ब्लैकेस्ट, यह काफ़ी लंबा चौड़ा था। आई हैड नेवर सीन, और इतनी बड़ी दाढ़ी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। मतलब वो आदमी जो था न्यू जो शादी हुई थी मिसेस की उसे वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था मिस्टर हेस्टिंग्स को। ही प्लेस्ड अ वुडन हैंड इन माइन एंड सेड, तो उन्होंने वुडन हैंड मतलब जिसमें भाव शून्य मतलब कि कोई ताकत ना हो हाथ देते हुए बोले दिस इज अ प्लेजर मिस्टर हेस्टिंग्स। देन टर्निंग टू हिज वाइफ, फिर उन्होंने हाथ मिलाकर अपनी वाइफ की तरफ चले गए। ही एडेड एमली डियरेस्ट आई थिंक डैट कजन इज लिटिल डैम, मुझे ऐसा लगता है कि कजन मतलब हुआ यहाँ गद्दी है तकिया और डैम मतलब गीला। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो तकिया है या फिर जो गद्दी है वो थोड़ा गीला हो गया है। सी बीम्ड फॉन्डली एट हिम, वो स्माइल करती है एज ही सब्स्टिट्यूटेड अनदर। एंड सब्स्टिट्यूटेड मतलब उससे उसको चेंज कर देते हैं, जो चीज़ वहाँ गीला था उसको चेंज कर देती है। विद एवरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टेंडरेस्ट केयर, टेंडरेस्ट मतलब होता है प्यार दिखाते हुए उसको ऐसा करती है, ठीक है। स्ट्रेंज इन फैचुएशन, इन्फैचुएशन का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब किसी के लिए फीलिंग होना ऑफ वो एन अदरवाइज सेंसिबल वुमेन। कुछ अजीब सा लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है काफ़ी
सेंसिबल वुमेन, मतलब कि काफ़ी समझदार है, या तो ऐसा लग रहा है कि अपने नए हस्बैंड के लिए इनकी काफ़ी फीलिंग्स है। प्रेजेंटली मिस्टर मिसेस इंग्लेथ्रॉप टर्न टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू मिस हॉवर्ड। अब क्या होता है कि मिसेस इंग्लेथ्रॉप जो होती है वो आती हैं और मिस हॉवर्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं, ठीक है। एंड हर हस्बैंड एड्रेस मी, और उनके हस्बैंड जो थे वो कुछ हमको बताने आते हैं इन पेन स्टिकिंग वॉइस। यहाँ मी जो यूज हुआ है या मिस्टर हेस्टिंग्स के लिए यूज हुआ, तो पेन स्टिकिंग मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा देना जिसमें कुछ सावधानियाँ हो या कुछ शिकायत हो। तो वो कहते हैं इस सोल्जरिंग मतलब सोल्जर से बना, सोल्जरिंग योर रेगुलर प्रोफेशन, क्या आपका सोल्जर जो सैनिक है या आपका रेगुलर प्रोफेशन है मिस्टर हेस्टिंग्स? नो, बिफोर द वॉर आई वॉज इन लॉडेट्स। लॉडेट्स का मतलब जो होता है यह एक इंश्योरेंस कंपनी में था, मतलब इंश्योरेंस का काम करते थे लंदन में, ठीक है। तो कहते कि नहीं, ये जब वॉर शुरू हुआ था ना तब ये सोल्जर बन गए थे, उससे पहले ये इंश्योरेंस वाला काम करते थे। एंड यू विल रिटर्न देयर आफ्टर इट ओवर, और क्या तुम वापस चले जाओगे जब ये ओवर हो जाएगा, मतलब ये वॉर खत्म हो जाएगा? परहैप्स, शायद, इधर डेट और अ फ्रेश स्टार्ट ऑल टुगेदर, हाँ हम एक नई शुरुआत साथ करेंगे। मेरी कैवेंडिश लीन्ड फॉरवर्ड। अब मेरी कैवेंडिश जो होती है वो लीन मतलब आगे को इस तरह झुकती है। What would you really choose as a profession? अपने वास्तव में क्या चूज किया अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब काम धंधे के लिए? If you could just consult your inclination मतलब रुचि, तो क्या तो व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार चूज करना चाहिए जो उसमें इंटरेस्ट हो। वेल हाँ ठीक है, ये सभी ऑल डिपेंड्स, ये सभी निर्भर करता है। नो सीक्रेट हॉबी, नहीं कुछ सीक्रेट नहीं है। सी आक्स, क्या कुछ सीक्रेट है? टेल मी यू आर drawn to something, क्या तुम उसके उससे कुछ छिपा रहे हो? Everyone is usually something absurd. Absurd का मतलब होता है जो समझ में आया। हाँ everyone, हाँ सभी ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। You will laugh at me, तुम मुझ पर हंसोगे। See a smile, वो smile करती है। Perhaps that. Well, I have had a secret hankering to be a detective. Hankering मतलब strong desire, मेरी इच्छा है, दृढ़ संकल्प है कि हम एक detective बने। The real thing, स्कॉटलैंड यार्ड और शेरलॉक होल्मेस, क्या तुम स्कॉटलैंड यार्ड बनो ना चाहोगे या शेरलॉक होल्मेस? ओह शेरलॉक होम्स बाय ऑल मींस, कहते हैं हाँ शेरलॉक होम्स बनना चाहेंगे। लाइक अ गुड डिटेक्टिव स्टोरी माई सेल्फ, हाँ मेरे पास खुद की अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज हैं। रिमार्क मिस हॉवर्ड, वो मिस हॉवर्ड को संबोधित करते हुए कहते हैं। लॉर्ड्स ऑफ नॉनसेंस रिटन, बहुत सारी चीज़ें बेकार चीज़ लिखी होती है थ्रू। क्रिमिनल डिस्कवरी लास्ट चैप्टर, और हर कहानी में ये होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एट लास्ट पकड़े जाते हैं। एवरी मन डम फाउंडेड, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रियल क्राइम यू और नो एट वंस, क्या तुम जानते हो रियल क्राइम के बारे में? देर हैव बीन अ ग्रेट नंबर ऑफ डिस्कवर्ड क्राइम्स, हाँ बहुत सारे ऐसे अभी भी कहानियाँ हैं जिसमें जो क्राइम्स होते हैं उसके बारे में भी पता नहीं लगाया गया या क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते। आई आर्ग्ड, अब उस पर तर्क करते हैं। डोंट मेन द पुलिस, पुलिस की बात नहीं है, बट द पीपल डेट और राइट इन इट, पीपल मतलब कुछ लोग इसमें सही होते हैं। द फैमिली, परिवार, यू कुड नॉट रियली हॉकिंग देन, हॉकिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो तुमको इसमें अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मतलब डिटेक्टिव का काम नहीं करना चाहिए। दे वुड नो, वे जानते हैं। देन आई सेड मच अम्यूज्ड, हाँ मुझे बहुत आनंद आता। You think that if you are mixed up in a crime, अगर तुम क्राइम में शामिल हो, say a murder, you would be able to spot the murder right off, तो अगर कोई मर्डर में शामिल होता था क्या तुम उसको पकड़ सकते हो, स्पॉट कर सकते हो? ऑफकोर्स आई शुड, हाँ मुझे करना चाहिए। Might not be able to prove it to pack of lawyers, हाँ इसमें बहुत सारे lawyers की जरूरत नहीं पड़ेगी। But I am certain आई वुड नो, लेकिन मैं जानता हूँ। आई वुड फील इन माई फिंगर टिप्स इफ सी और ही केम नियर मी, हाँ मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर क्रिमिनल जो होता है अगर मेरे सामने है तो हम उसके फिंगर टिप से पता कर सकते हैं। वॉट ग्रूशम कन्वर्सेशन, ग्रूशम मतलब कितना भयानक ये कन्वर्सेशन चल रहा है। क्राई मिसेस इंग्लेथ्रॉप, मिसेस इंग्लेथ्रॉप चिल्लाते हुए कहती है, इट मेक मी फील एज इफ अ गूस वर वॉकिंग ओवर माई
ग्रेव, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बतख हूँ और मैं अपनी कब्र की ओर जा रही हूँ। ओह देयर सिंथिया, और इसी तरह सिंथिया आती है जो हॉस्पिटल में काम करती है, ठीक है। अ यंग गर्ल इन VAD, VAD मतलब होता है अपनी इच्छा से लोगों की सहायता करना, यूनिफॉर्म रैन लाइटली अक्रॉस द लॉन। अब वो वहाँ पर लॉन में प्रेस करती है। वाई सिंथिया, वाई आर यू लेट टूडे, क्या बात है आज तुम लेट कर गए। दिस इज मिस्टर हेस्टिंग्स, मिस मोडोज। वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि देखिए ये मिस्टर हेस्टिंग्स है, ये मिस मोडोज है। सिंथिया फ्लंग हरसेल्फ डाउन ऑन द ग्राउंड बिसाइड जॉन। अब वो क्या होती है कि अब वहाँ पर जॉन के बगल में आ जाती है। एंड आई हैंडेड हर प्लेट ऑफ सैंडविच, और मैं उसको सैंडविच का प्लेट उसको सर्व करता हूँ। सी स्माइल एट मी, और उनसे स्माइल करती है, हंसती है। सिट डाउन हियर ऑन द ग्रास, आओ इस घास पर बैठ जाओ। डू इट्स एवर मच नाइसर, सी एडजस्ट, हाँ कहते कि हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड ओबीडिएंटली, और मैं भी उसके साथ भूमि पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गया। तो ये पूरा स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।